नमस्कार, मैं हूँ आर्यमन गोयनका। आप देख रहे हैं क्रिकेट विद आर्यमन। और अब आज कल रात 10 बजे के आसपास आपका हो गया था रिटेंशन का, सारा प्लेयर्स लोग का नाम आ गया था, कौन कौन को कौन से टीम ने किया है रिटेन। तो आज उस पर करेंगे बात। आज आपको मैं पूरा जानकारी दे दूंगा कि कौन सा टीम ने किसको किसको रिटेन किया है। फिर दूसरे दिन आकर इसको पूरा एनालिसिस क्या होना चाहिए था वो सब करेंगे। कल के दिन के लिए रखेंगे वो कि कौन से जो नहीं रखा है वो कल करेंगे बात। आज करते हैं कौन किसको किसको रखा है। तो पहले CSK के और चलते हैं। तो CSK के लिए CSK और MS धोनी तो एक समान है। तो MS धोनी को रखा है 12 करोड़ रुपए में। रविंद्र जडेजा MS धोनी से ज्यादा पैसे ले रहे हैं, 16 करोड़ रुपया। मोइन अली 8 करोड़ रुपया। ऋतुराज गायकवाड 6 करोड़ रुपया। 48 करोड़ का पर्स उनका बाकी है ऑक्शन में जाते हुए। मुंबई इंडियन के और अगर चलते हैं तो रोहित शर्मा 16 करोड़, सूर्य कुमार यादव 8 करोड़, पोलार्ड 6 करोड़, जसप्रीत बुमराह 12 करोड़, और रोहित शर्मा को 15 करोड़ प्लस 1 करोड़ उनके कप्तानी के जो मिल रहे हैं वो, मतलब 15 करोड़ प्लस 1 करोड़, और 48 करोड़ का उनका भी पर्स है बाकी। राजस्थान रॉयल RR, संजू सैमसन 14 करोड़, जॉस बटलर 10 करोड़, यशस्वी जायसवाल 4 करोड़, 62 करोड़ रुपए का पर्स है बाकी राजस्थान रॉयल के पास। फिर चलते हैं हैदराबाद के और, तो हैदराबाद ने रिडीम किया है 3 केन विलियमसन 14 करोड़ कप्तान, अब्दुल समद 4 करोड़, उमरान मलिक 4 करोड़, 68 करोड़ रुपये का उनका पर्स है बाकी। अब चलते हैं RCB के और, विराट कोहली 15 करोड़, मैक्सवेल 11 करोड़, सिराज 7 करोड़, 47 करोड़ बाकी हैं RCB के पास। DC ऋषभ पंत 16 करोड़, पृथ्वी शॉ 7.5 करोड़, ऑनरिक नोकिया 6.5 करोड़, अक्षर पटेल 9 करोड़। ये अब देखिए यहाँ पर ऑनरिक नोकिया को रख तो लिया है, ऑनरिक नोकिया खुश होंगे तभी रखा होगा, क्योंकि 6.5 मेरे हिसाब से उनको कम पैसे मिल रहे हैं यहाँ पर, और इनका DC का 47.5 करोड़ रुपया का पर्स बाकी है। ये सबसे कम है ऑफ IPL फ्रेंचाइज इन दिस टर्म अभी का जितना है। KKR रसल को रिटेन किए हैं 12 करोड़, वरुण चक्रवर्ती 8 करोड़, वेंकटेश अय्यर 8 करोड़, नारायण 6 करोड़, 48 करोड़ रुपया का उनका पर्स है बाकी। पंजाब किंग्स ने सिर्फ रिटेन किया है 2 खिलाड़ी, मयंक अग्रवाल 12 करोड़, अर्शदीप सिंह 4 करोड़, 72 करोड़ रुपए का पर्स है बाकी उनके पास। तो यही है सबसे ज्यादा पैसा जो लेकर जाएंगी ऑक्शन टेबल पर, और रिटेन किया है सिर्फ 2। अब इसमें बड़े बड़े नाम क्या हैं कल वापस से सबके ऊपर करेंगे बात, लेकिन आज कर देते हैं, एक बार बता देता हूँ। पंजाब किंग से बड़ा नाम KL राहुल का नहीं है। वो KKR के अंदर आपका सुमन गिल का बात चला था वो नहीं है, ओएन मॉर्गन का मुझे नहीं लग रहा था कि होंगे लेकिन नहीं है, वो भी आपको लग सकता है सरप्राइज है। आपका दिल्ली कैपिटल में आपका आवेश खान, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो आपका रिटेन करना चाहता होगा अगर ज़्यादा होता बड़ा, लेकिन आपका हुआ नहीं क्योंकि आवेश खान, फिर आपका रबाडा, और RCB का अगर और चले तो युजवेंद्र चहल, देवदत्त पाडिकल, और ये भी डिविलियन तो कर दिया है रिटायरमेंट, इसलिए हल्की सी मतलब समस्या से कम है। क्योंकि आपका देखिए विराट कोहली, मैक्सवेल अगर आए हैं, आप अगर AB डिविलियर आते तो आप मैक्सवेल को आप इतने नहीं दे पाते, तो आप शायद से मैक्सवेल को आप रोकना आप नहीं पा सकते थे, शायद से ऐसा होता, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो पैसे के लिए दूसरे टीमों में भागे जा रहे हैं। और युजवेंद्र चहल का ये आया कि RCB जितना उनको पैसा देना चाह रहा था
उतना में उनको मंजूरी नहीं था, इसलिए वो करने वो ऑक्शन टेबल में अपना लक देखने। मुझे तो लगता है कि वो पहले उनको कोई टीम उठा लेगा, ऐसा हो सकता है। सनराइजर हैदराबाद में दो बड़े नाम हैं, डेविड वॉर्नर और राशिद खान। हाँ, और राजस्थान रॉयल की तरफ अगर देखें तो है यहाँ पर आंड्रिक नॉक या नहीं आंड्रिक नॉक या नहीं सॉरी जॉफ आर्चर, बेन स्टोक हो सकते से शायद से, लैम लिविंगस्टोन या ये हो सकता था कोई आपका सीएसके के, और तो फ्लाप डुप्लीसिस हो सकते थे, और मुंबई इंडियन के और तो आपका ईशान किशन, क्विंटन डेकॉक, और भी बहुत ऐसे ऐसे नाम हैं जो मतलब मुंबई रोकना, ट्रेंट बोल्ट मुंबई उनको भी रोकना चाहेगा लेकिन रोक नहीं पाया, ऑक्शन टेबल में अपना लक को अजमाने जाएंगे सब। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप देख रहे थे रिटेंशन स्पेशल आईपीएल 2022 का, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आगे जो जो खबर आएगा आईपीएल 22 का 2022 का उसमें मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, बताते रहूंगा। कल सोच रहा हूं कि लेकर आऊं कि कौन से बड़े नाम हैं जो ऑप्शन में पहले ही निकल जाने का नाम है, कौन सा ऑप्शन में ज़्यादा पैसे लेकर जा सकते हैं, कौन सा क्या हो सकता है, मतलब मेरे को लिस्ट लेकर आऊँगा जिसमें कि ये प्लेयर बड़े बड़े नाम हैं जो नहीं रिटेन किया गया है, और वो ऊपर हो जाएगी सबकी नज़र, मतलब सारे जो टीमें हैं सबकी रहेगी उस पर नज़र। अभी और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप देख रहे थे क्रिकेट विद आर्यमन, मैं हूँ आर्यमन को।